Shaw. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने इस कार्यक्रम के जरिए यूं तो हम कई सारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे आपके लिए लाया गया है, जिससे आप आसानी से ऋण ले सकते हैं और खेती किसानी से संबंधित तमाम कार्य कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है, आइए जानें। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है, उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को समझने के लिए आइए देखते हैं योजना का सार। क्या आप किसान हैं? अगर ऐसा है तो किसान क्रेडिट कार्ड आप ही के लिए है। ये ऐसा कार्ड है जो बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा सकता है। देश के ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, वे इस कार्ड को बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 साल में 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन केसीसी में सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। इस हिसाब से ब्याज सिर्फ 7% होगा। वहीं अगर किसान इस लोन को 1 साल में लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाएगी। इस हिसाब से उसे महज 4% ब्याज देना होगा। इस रकम से कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशक वगैरह खरीद सकते हैं। इसके अलावा कटाई के बाद होने वाले खर्चों या फिर मार्केट संबंधी जरूरतों, घरेलू खर्चों, किस किसान को कितना कर्ज मिल सकता है, इस बात पर निर्भर है कि उसकी आय कितनी है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पिछली फसल के उत्पादन का क्या हाल है, भूमि की उर्वरता कैसी है और खेत को फिर से कृषि योग्य बनाने में लगने वाली लागत क्या है। फसल बेचने के बाद किसान केसीसी के लोन को चुका सकता है। सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए पशुपालक और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा उपलब्ध कराई है। एक बार बनवाने पर ये कार्ड 5 साल तक के लिए मान्य होगा। बैंक से क्रेडिट कार्ड के साथ पासबुक भी दी जाएगी, जिसमें आपका नाम, जमीन से संबंधित विवरण, घर का पता व क्रेडिट कार्ड की लिमिट, वैलिडिटी वगैरह जानकारी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक के लिए होती है। अगर आप वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो ये भी आसानी से ऑनलाइन हो सकता है। बस आपको केसीसी फॉर्म दोबारा भरकर जमा कराना होगा। किसे मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड? किसान के पास खेती योग्य
जमीन होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वे सभी किसान अप्लाई कर सकते हैं जो खुद के खेत में कृषि उत्पादन कर रहे हों, या किसी और खेत में कृषि कार्य करते हों, या किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हों। आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक मूल रूप से भारत का निवासी हो। अकेला किसान भी क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और संयुक्त ऋणी भी। इनके अलावा बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह को भी इसकी सुविधा है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया है। कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। और अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब आइए योजना को प्राप्त करने का तरीका या फिर किसान क्रेडिट कार्ड से किस तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जानते हैं इसके बारे में। सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाना चाहती है। इस साल युद्ध स्तर पर काम हुआ, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ही करीब 2.5 करोड़ किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए। इनमें रिन्यू किए गए कार्ड भी शामिल हैं। इससे पहले 6.76 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध किए जा चुके थे। इसके लिए सभी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। वहां जाकर बैंक अधिकारी से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक के अधिकारी के पास जमा कराना होगा। आवेदन को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग उप कृषि निदेशक, जिलाधिकारी और अग्रणी जिले प्रबंधक को दिया जाएगा। आवेदन के साथ जो दस्तावेज लगाने हैं वो इस तरह से हैं: आधार कार्ड, भारतीय निवासी प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसे किसान जो पीएम किसान योजना का तो लाभ पा रहे हैं लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना से वंचित हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार कोशिश कर रही है। बैंक ऐसे किसानों की सूची तैयार करके गांव के सरपंच को भेजते हैं और उनसे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को SMS भेजने का भी प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उनको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करानी होगी। ये फॉर्म स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या पीएम किसान पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ दाईं ओर बने किसान कॉर्नर के नीचे डाउनलोड KCC फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करना होगा। योजना को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर है 1-55-261 और 011-243-00606। और अब समय हो चला है शामिल करने का किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित सवाल और विशेषज्ञों के जवाब।
और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामना शर्मा जी, जो कि उपायुक्त हैं क्रेडिट कृषि मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामना जी हमारे कार्यक्रम के अंदर। तो आइए हम इनसे किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां लेते हैं। कामना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जहां से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जो किसान हैं उनके लिए जानने के लिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे जब वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जाए। ज्योत्सना जी, यदि कोई किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो किसी भी वाणिज्यिक बैंक की शाखा में जा सकता है, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी जा सकता है, और सहकारी बैंकों के थ्रू भी ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करते वक्त उसको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें जमाबंदी से संबंधित दस्तावेज़, जिसमें जिसको हम लैंड डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसमें भूमि से जुड़े डिटेल्स होते हैं किसी भी किसान के, उसका कितना अंश है ये भी होता है जी। गिरदावरी से जुड़ी जो सूचना होती है उससे संबंधित जो है दस्तावेज़ वो होने चाहिए, और बैंक जो भी KYC डॉक्यूमेंट लेता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, किसी भी आवेदक का एड्रेस प्रूफ हो गया, उससे जुड़े दस्तावेज वो किसान ज़रूर ले जाए और उसको अपने आवेदन पत्र के साथ जमा करे इन बैंकों के थ्रू। बिल्कुल, तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिसका आप पूरी तरह से जो है वो लाभ ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, और उसे अपने खेती किसानी के लिए या किसी भी ज़रूरी काम के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कामना जी, ये बताइए कि जब किसान क्रेडिट कार्ड की अगर वैलिडिटी ख़त्म हो जाए या फिर अगर उसे नया बनवाना हो तो किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है? ज्योत्सना जी, जो किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है उसकी जो सीमा होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन ये प्रतिवर्ष जो है रोल ओवर किया जाता है, इसका नवीनीकरण किया जाता है, जिसके लिए किसान को बैंक में जाकर नवीनीकरण कराना चाहिए। अगर किसी किसान ने नहीं कराया तो करा ले, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसका लोन जो होता है वो ओवरड्यू हो जाता है। और इसी के साथ हमारे कुछ जो किसान भाई बहन हैं वो भी अपने प्रश्न जो है वो हमें भेजते हैं, और उन्हीं में से आइए एक प्रश्न शामिल करते हैं सुरेंद्र यादव जी का, देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ कि कौन कौन से बैंक से जहाँ से KCC बनवाया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से बैंक हैं? KCC बनवाने के लिए आप किसी भी कमर्शियल बैंक, जिसको वाणिज्यिकी बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अप्रोच कर सकते हैं या सहकारी बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज जो भी बताए गए हैं उसको लेकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसान चाहे तो जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उनकी जो वेबसाइट होती है उसमें भी ये फॉर्म उपलब्ध होता है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, उसको भर के उस बैंक की शाखा में जमा करें जहाँ से आपको आवेदन करना है। और अगर किसान चाहे तो जो भी उसके क्षेत्र का कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको हम जन सेवा केंद्र कहते हैं, वहाँ भी जा सकता है, वहाँ के थ्रू ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है, जिसमें वो कॉमन सर्विस सेंटर का जो VLE है किसान की सहायता करेगा। और इसके अलावा PM किसान की एक वेबसाइट है जिससे भी आवेदन करने का जो इसका प्रपत्र होता है वो डाउनलोड किया जा सकता है, जिसको भर के जमा किया जा सकता है, और किसान जो है सीधे तौर पर बैंक शाखा में जाकर भी जो भी लोन अधिकारी हैं उनसे मिलकर इस फॉर्म को प्राप्त करके वहाँ भर के आवेदन कर सकता है। कामना जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना ऋण जो है वो हमारे किसानों को इसके अंतर्गत मिल सकता है, वो कितना ऋण अप्लाई कर सकते हैं या फिर कितना मिल सकता है? देखिए, इसमें जो भी कितना ऋण मिलेगा वो स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर किया जाता है। इसमें अल्पकालिक ऋण दिया जाता है जो कि 3 लाख तक के अल्पकालिक फसली ऋण पर जो सरकार जो होती है 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी देती है, उस पर ब्याज पे सबवेंशन देती है, और यदि कोई किसान उसका जल्दी भुगतान करता है, समय पर भुगतान कर देता है, तो उसका शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन के तौर पे, जिसको हम PRI कहते हैं, उसके तौर पर 3% की छूट भी देती है। तो किसान को फिर केवल 4% का ही ब्याज दर उसमें देना पड़ता है, और जो ऋण की सीमा है वो इस पर भी आधारित होती है कि उस जिले में उस क्रॉप के लिए, उस फसल के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, जो कि उस जिले की डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है वो डिसाइड करती है, और इसके अलावा जो भी किसान है उसका उस फसल के लिए क्षेत्रफल कितना है जी, इस पे भी ये आधारित होता है कि उस किसान को कितना ऋण मिलेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो कामना जी यहाँ पर आपको दे रही हैं किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में। कामना जी, साथ ही ये भी बताइए कि समय से पहले या समय पर ऋण चुकता करने के कितने समय बाद दोबारा से ऋण के लिए अप्लाई करें हमारे किसान?
ज्योत्सना जी, यदि कोई किसान अपना ऋण चुका देता है समय से, उसके बाद वो किसी भी समय दूसरे लोन के लिए आवेदन कर सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए एक प्रश्न और शामिल करते हैं। हमारे किसान भाई जुड़े हैं हमारे साथ, जानते हैं उनका सवाल क्या है। अगर क्रेडिट कार्ड बंद हो गया तो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई और उसके बाद चालू कराने के लिए हमें क्या करना होगा? जी बिल्कुल। तो अगर किसान क्रेडिट कार्ड अगर बंद हो गया है तो दोबारा चालू करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हमने जानकारी आपसे हासिल की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे किसान भाई को आप एक बारी फिर से बता दें। देखिए, मैंने पहले भी बताया 5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराया जाता है, जिसको हम रोल ओवर बोलते हैं। यदि वो नहीं कराया गया तो वो करा लिया जाए और इसका फिर एक फ्रेश आवेदन पत्र उस संबंधित बैंक ब्रांच को दे दिया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे कई तरह के जो सवाल हैं वो हमारे किसान भी पूछते हैं, और हमारे मन में भी जब कोई भी नई योजना आती है तो उससे संबंधित कई ऐसे सवाल जो हैं वो हमारे मन में भी उठते हैं, क्योंकि सरकार आपके लिए ये योजनाएं जो है वो लेकर आती है जिससे कि आपको आर्थिक लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। कामना जी, ये भी बताइए कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये किन किसानों को जो है वो मिल सकता है, या कौन से ऐसे किसान हैं जो इसे आसानी से बनवा सकते हैं? ज्योत्सना जी, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सभी किसान पात्र हैं। जो भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं, वो सब इसके पात्र हैं। और 2008-19 से इसको हमने मात्स्यिकी के लिए भी और दुग्धालय से जुड़े किसान हैं उनके लिए भी शुरू किया है। तो सभी प्रकार के किसान पात्र हैं, लेकिन हाँ, इसमें लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो लोन डिफॉल्टर जो है वो आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि समय रहते ही आप अपना जो है वो ऋण चुकता कर दें। हमारे साथ एक किसान और जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। किसी किसान को कितना ऋण मिलता है, इसका मूल्यांकन कैसे तय होता है? तो किसी किसान को कितना ऋण मिलता है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, किसी किसान को कितना ऋण मिलता है वो स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर होता है। ये जिलेवार और फसलवार हर राज्य में, हर जिले के हिसाब से डिसाइड होता है। उस वहाँ पे एक टेक्निकल कमेटी होती है जो ये निर्धारित करती है कि किस फसल के लिए कितना जो है लोन दिया जाएगा, लोन सीमा क्या होगी और उस किसान का क्षेत्रफल कितना है, ये इस पर निर्भर करता है। हमारे किसान तो जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जो है वो ले सकते हैं, जो खेती किसानी का क्षेत्र करते हैं। लेकिन कामना जी, ये बताइए कि जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे मछली पालक हैं, मुर्गी पालक हैं, क्या वे भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, क्या वे भी उसका लाभ ले सकते हैं? हाँ ज्योत्सना जी, जो भी चाहे, देखिए, जब हम जो मछली पकड़ने से जुड़े किसान हैं, चाहे वो अंतर्देशीय मछली पकड़ने के से जुड़े हुए हैं, या जो समुद्र की मछली पकड़ने से भी जुड़े हुए हैं, जो दुग्धालय से जुड़े हुए हैं, जो कुक्कुट पालन से, छोटे छोटे कुक्कुट पालन से जुड़े हुए हैं, वो किसान भी इसके लिए पात्र हैं और वो इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से बैंक में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो न केवल हमारे किसान भाई जो कि खेती करते हैं, बल्कि जो हमारे पशुपालक हैं, जो मछली पालक हैं, जो मुर्गी पालक हैं, वे भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कामना जी, अब ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड बनने के कितने समय बाद जो है वो किसानों को क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल जाता है? ज्योत्सना जी, इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। अगर उनकी मार्गदर्शिका को देखा जाए तो उसके हिसाब से जब किसी किसान ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दिया है तो आवेदन करने के 14 दिन के अंदर उसको किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि किसान को नहीं प्राप्त होता तो वह इस संबंध में क्षेत्रीय लोकपाल जो होते हैं रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए, वहाँ पर शिकायत कर सकता है। इसमें हेल्पलाइन भी बनी हुई है और रिजर्व बैंक की वेबसाइट में भी एक लिंक है जिसके थ्रू जो है वो अपनी बात कह सकते हैं या अपना शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और किसान का सवाल, आइए हम यहाँ पर शामिल करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे कौन से किसान हैं जिनको ये किसान कार्ड नहीं बनता है? तो ऐसे कौन से किसान हैं जिनका किसान कार्ड नहीं बनता है, जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता है? देखिए, जब आवेदन की बात हमने कही, हमने कहा कि सारे किसान इसमें आच्छादित हैं, कोई भी किसान जो है आवेदन कर सकता है, लेकिन जो किसान है उसका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
तो जो हमारे किसान हैं वो आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं, बस आप समय रहते ही जो है वो अपना ऋण चुका दें, जो आपकी ईएमआईज है वो आप भर दें। अगर आपका एक बार भी जो है डिफॉल्टर की लिस्ट में अगर आ जाते हैं तो उसके बाद का जो उसका पूरा कार्यक्रम है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जिसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर कामना जी आपसे जानना चाहूँगी, जब किसान क्रेडिट कार्ड बनकर किसानों के पास आ जाता है तो वे उसे कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? क्या बैंक जाना होता है या फिर वो उनके जो उनका पता है उसी के ऊपर आ जाता है डाक के जरिए? ज्योत्सना जी, ज़्यादातर बैंक इसमें जो भी किसान का पता उसके अकाउंट में लिखा होता है उसी से वो डाक द्वारा भेजा जाता है, और यदि किसी किसान को नहीं मिलता तो वो संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे और रहेगा कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में किसी भी तरीके की अगर कोई शिकायत जो है वो दर्ज करानी हो, हमारे किसानों को किसी तरह की कोई समस्या जो है वो अगर आ रही हो, अगर कार्ड में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, वो उसे नहीं इस्तेमाल कर पाते, तब वे कहाँ जाएं? ज्योत्सना जी, इसके लिए सबसे पहले तो उस संबंधित बैंक ब्रांच को वो अप्रोच करें और वहाँ अपनी समस्या बताएं। इसके अलावा आरबीआई ने एक किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हेल्पलाइन भी है, वहाँ भी कर सकते हैं, और आरबीआई की वेबसाइट पे एक लिंक भी है जिसके माध्यम से वो अपनी शिकायत रख सकते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर कामना जी काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो आपने इस संबंध में दी है। एक किसान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख करते हैं। मैंने किसान कार्ड समय पर चुकता कर दिया है, अब दोबारा से किसान कार्ड मिल जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है ये मैं जानना चाहता हूँ। किसान का क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो चुकता कर दिया है, दोबारा से इसको बनवाने की क्या प्रक्रिया है? ज्योत्सना जी, इसके लिए चूंकि उन्होंने चुकता कर दिया है, हो सकता है उनका लोन इरेगुलर हो और उसके बाद उन्होंने उसका जो भी बकाया हो वो चुकता कर दिया हो, इसके लिए वो जो भी लोन अधिकारी हैं संबंधित बैंक ब्रांच से उनको अप्रोच करें, वो इस संबंध में उनको गाइडेंस दे देंगे। बिल्कुल। कामना जी, एक काफ़ी ऐसा सवाल है कॉमन सा जो हर हमारे किसानों के जो है वो जहन में आता है कि जो इसकी वैलिडिटी है कार्ड की वो कितनी रहती है, इसकी जो समय सीमा है वो कितनी रहती है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? ज्योत्सना जी, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, 5 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन हर साल इसका रिन्यूअल होता है। हर साल जिसको हम कहते हैं नवीनीकरण करना पड़ता है, रोल ओवर करना पड़ता है, उसके लिए किसान को संबंधित बैंक ब्रांच को बताना पड़ता है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपका कहने का मतलब है कि बनता 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद आप इसे दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन हर साल उस 5 साल में हर साल में उसको एक बार उसको रोल ओवर कराना होगा। बिल्कुल। तो वर्ष जी, बिल्कुल। तो कामना जी, आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी आपने किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में हमने आपको किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित तमाम जानकारियां दी और उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप भी अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। फेसबुक के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ, और वहां भी आप अपने प्रश्न या सुझाव हमें लिख के दे सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-11-3060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि हमारे अगले हफ्ते के विषय के बारे में, हमारा अगले हफ्ते का विषय रहने वाला है मत्स्य संपदा योजना। तो इसके संबंध में कोई भी जानकारी पहले से लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल ज़रूर करें। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।